social mobility in pakistan as we already know that social mobility is the concept which actually deals with the change of a status change of a status linked with individual status as its impact on the families and in the end overall the society so we can say that from the beginning days from 1947 जब पाकिस्तान की हुकूमत के पास या पाकिस्तान के माशरे के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे और कुछ टाइम लगा उन लोगों को सेटल करने में वो लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे वो वहाँ पर एक और स्टेटस के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और जब नए हालात में उन लोगों को यहाँ पर सेटल होना पड़ा तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा ऐसे ही पाकिस्तान में जो एजुकेशन की परसेंटेज थी जो रेशो थी वो कम थी फिर पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए या वो इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा बने वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज भी मौजूद थे चुनाचे इन बहुत सारी ऐसी हार्ड रियलिटीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने फिफ्टीज़ के अंदर जो है बहुत सारे मसाइल देखे लेकिन फिर सिक्सटीज़ के अंदर पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट की एक वेव जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई ये वेव जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक लिंक थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जिन्होंने यहाँ बाकायदा मगरब ने प्लान करके पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ मौाक़े जो हैं मुहैया किए और जिससे यहाँ के लोगों की जो ज़िंदियाँ थी वो इन्फ्लुएंस भी हुई और लोगों को ये नज़र आया कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट जो है वो हो रही है आ, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये लिमिटेड हैं फॉर द अर्बन सेंटर्स जब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है तो जाहिर है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ या चैलेंजेस आते हैं इसी वजह से जो सिक्सटीज़ की डेवलपमेंट थी इकनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में मेन ऑब्जेक्शन ये कहा कि ये एरिया फोकस्ड है यानी कुछ इलाकों के अंदर तो ज़्यादा मौाक़ दिए गए इस वजह से उन सेंटर्स के अंदर जो लोगों के अंदर जो सोशल मोबिलिटी का ट्रेंड था वो रेज़ हुआ यानी सेंटर्स जो थे डेवलपमेंट के वो कुछ शहर बन गए कुछ एरियाज़ बन गए तो उससे जो क्लास सिस्टम डेवलप हुआ पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा शार्प था यानी कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो गई टूवर्ड्स अपवर्ड मोबिलिटी उनकी क्लास उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा बदल गया लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थी उनके पास सोशल मोबिलिटी में सिर्फ डाउनवर्ड मोबिलिटी थी यानी उनके पास मौाक़े कम थे जॉब्स भी कम थी और फिर सेवेंटीज़ और एटीज़ के दरमियान ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पर के लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो उनको फेस करना पड़े फिर हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल इन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट लाइक हेल्थ टेक्नोलॉजी एजुकेशन वर्क And, and reliance on technology. These all are the indicators which reflect the overall social development of a society. And if these indicators are strong, then it means that the horizontal mobility, the upward mobility is actually practicing in that country or in that system. But in the case of Pakistan, the health sector, the education sector, the link with the technology, and specifically the involvement of the majority of the people it is absent in the whole scenario of pakistani society so what type of efforts government tried to make that due to the trend towards the social mobility government although governments tried to improve their uh, the life of the citizens

कि किसी तरीके से वो कोशिश करके अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर लें और अप ले जाएं लेकिन होता क्या है कि अगर किसी ख़ानदान से किसी एक बच्चे ने तालीम हासिल कर ली और उसको अच्छी जॉब मिल गई तो वो बजाय इस कोशिश के कि वो अपने पूरे ख़ानदान के स्टेटस को इम्प्रूव करे अपने ख़ानदान को इन्वॉल्व कर ले उस इम्प्रूवमेंट में नॉर्मली अफराद जो हैं वो ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं लेकिन अपने ख़ानदान के लिए वो एफर्ट या कोशिश नहीं करते ऐसे ही अगर किसी ख़ास इलाके या ख़ानदान से कोई फ़र्द सियासी तौर पर इम्पोर्टेंट प्लेस पर चला जाता है तो उसका बुनियादी फर्द ये है कि अपने इलाके की सोशल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन ये भी हमें कम कम नज़र आता है चुनाचे ओवरऑल सोशल मोबिलिटी में पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो कर रही हैं बट स्टिल देयर आर सर्टेन हर्डल्स And there must be a clear cut strategy by the government to influence the life of the people in a positive sense.